नेचर लवर्स, आज हम आपको पीनट के बारे में बताएंगे जिसको गरीबों का बादाम भी कहते हैं क्योंकि ये सस्ती मिल जाती है मार्केट में और जो है सर्दियों में बहुत आयत में खाई जाती है और इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं। इसमें विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन होता है और कई सारे विटामिन होते हैं जैसे कि फोलेट और जो फोलेट है, थियामिन है, राइबोफ्लेविन है, विटामिन B6 है, विटामिन ई है, ये बहुत सारे विटामिन होते हैं और बहुत सारी इसमें कैलोरीज होती हैं जो 100 ग्राम 567 कैलोरी होती हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और सर्दियों में अगर इसे खाया जाता है तो बॉडी इससे वार्म अप भी होती है, ठंड नहीं लगती है। तो इसको जो है हर जगह, यहाँ जो प्लेन एरिया है, क्षेत्रीय मैदानी क्षेत्र है, जो भारत का मैदानी क्षेत्र है और जहाँ जहाँ देशों में मैदानी क्षेत्र है, नदियों के किनारे इसको जहाँ सैंडी सोयल होती है वहाँ पर इसे ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। तो इसकी हम वीडियो बना के हम आपको शो करेंगे कि किस किस तरह से इसे बोया जाता है और फिर ग्रो किया जाता है, कैसे इसे उखाड़ा जाता है, पैदा किया जाता है और फिर कैसे इसको निकालने के बाद इसको फिर भुना जाता है, साफ करने के बाद भुना जाता है और वो नमक में, साल्ट में भुना जाता है, जिससे जो है जब कोई खाता है तो वो उसमें नहीं लगता है, दांतों में जो किरकिरापन नहीं लगता है, तो इसलिए इसे उसमें भुना भी जाता है। तो ये एक तरह का लेग्यूम है जो दाल वाली फैमिली है उससे है, जिसको बॉटनिकली इसको एरेकिस हाइपोजिया बोलते हैं और पेपिलियोनेसी फैमिली का मेंबर है ये प्लांट। तो इस मूंगफली को आप ऐसे जो है खोलेंगे, ये मूंगफली है जो जिसको बोलते हैं मूंगफली, ये मूंगफली फली मीन्स जो फ्रूट होता है उसको फली बोलते हैं, इसकी इसके जो फ्रूट होते हैं इसको फली बोलते हैं। तो मूंगफली दालों वाली फैमिली से है इसलिए इसे मूंगफली बोलते हैं। तो इसको आप जो है जब देखेंगे तो ऊपर फ्लावर आता है, फ्लावर आने के बाद उसमें जो वो फ्लावर का स्टाक होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद वो फ्लावर तो ऊपर से शेड हो जाता है और ये बढ़ता जाता है, इसकी लंबाई बढ़ती जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये नीचे जमीन में चला जाता है, वो हम आपको दिखाएंगे आगे उसमें वीडियो में। तो इसे आप ऐसे ऐसे फोड़ेंगे और इस तरह लेके खाएं, वैसे तो इसे ऐसे करके खाएं ताकि इसका ये छिलका जो आपके अंदर ना जाए, ऐसे खाइए, बड़ा टेस्टी लगता है। कहीं कहीं पर इसके साथ नमक साथ में भी दिया जाता है खाने के लिए, जिससे और भी सुपाच हो जाती है। तो इस तरह आप इसे ऐसे करके खाएं, ऐसे इस तरह खाएं, तो ये बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, इससे भूख भी खत्म हो जाती है, पेट भर जाता है। नेचर लवर्स, आज हम आपको मूंगफली पीनट के बारे में बताएंगे जिसका बॉटनिकल नेम है एरेकिस हाइपोजिया। लोग ये मानते हैं कि मूंगफली नीचे लगती है, लेकिन आज हम इसके रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। ये मूंगफली का खेत है, इसमें मूंगफली बोई हुई हैं, अभी ये बनने लग रही हैं, यहाँ पर फ्लावर आ रहे हैं, क्योंकि मूंगफली इसका जो नाम है फली, फली हमेशा बीज में, बीज होता है फली में, और फली जो बनती है वो एक फ्रूट है और फ्रूट जो है वो फ्लावर आने के बाद ही बनता है, जब फूल आता है उसके बाद ही फली बनती है। तो हम दिखाएंगे इसमें जो फूल आया हुआ है उससे बाद में फली बनती है और ये ज़मीन में नीचे को घुसती चली जाती है, ये सैंडी सोयल में बनती है, जो सैंडी सोयल होती है उसी में मूंगफली अच्छे से अच्छी पनपती है। तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर ये सब मूंगफली के पेड़ हैं, तो ये आप देखिए ये मूंगफली का पेड़ है, यहाँ देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी हम आपको फ्लावर दिखाते हैं, ये देखिए
यहाँ पर ये देखिए, ये फ्लावर है, ये वाला यहाँ फ्लावर आ रहा है, ये फ्लावर आ रहा है, ये सब फ्लावर आए हैं इसमें, सभी पेड़ों में फ्लावर आए हैं। ये देखिए यहाँ पर ये फ्लावर आ गए, ये फ्लावर आ रहे हैं। तो ये फ्लावर आने के बाद जब फ्लावर ये खिल जाता है, फूल खिल जाता है, तो इसका जो स्टॉक है जिस पर फूल आया हुआ होता है, वो स्टॉक नीचे को बढ़ता चला जाता है और वो ज़मीन में घुस जाता है। ये हम आपको इसमें दिखाएंगे किसी में जिसमें आ रहा होगा। ये देखिए, ये है, ये यहाँ पर ये वाली यहाँ पर देखिए, ये इसमें ये फ्लावर आया और ये नीचे को ये रहा। ये देखिए, ये यहाँ पर ये यहाँ मूंगफली बनेगी। यहाँ ये फ्लावर आया था, यहाँ ये फ्लावर आया था, और इस फ्लावर के आने के बाद ये जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये नीचे को ज़मीन में घुसती चली जाती है। देखो इसमें ऐसे ही घुस रही है, यहाँ भी देखिए सब जगह ऐसे ही मिलेगी। ये देखिए यहाँ भी फ्लावर आने के बाद ये नीचे चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ ये फ्लावर आया, ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर ये नीचे को ये जा रहा। ये देखिए ये वाला, ये इसमें मूंगफली लगेगी। ये देखिए ये है, ये इसमें मूंगफली लगेगी और ये नीचे बढ़ती चली जाएगी। इसको जो है आप देखें तो इसमें जो मूंगफली हैं वो लगती ऊपर हैं। ये फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ये फ्लावर है, ये फ्लावर दिखाई दे रहा है, ये फ्लावर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये मूंगफली के पेड़ हैं, ये सब तमाम मूंगफली के पेड़ हैं। यहाँ पर ये पूरा मूंगफली का खेत है। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मूंगफली लगती है। लोग इसको यही मानते हैं कि ये मूंगफली ज़मीन के नीचे लगती है, लेकिन नहीं, ये डेवलप तो ऊपर ही होती है। ये सब फ्लावर आ रहे हैं, ये और ये देखिए, ये देखिए मैं उखाड़ के दिखा देता हूँ इसको। ये देखिए तमाम जो है मूंगफली, देखो लो भाई जरा इसे दिखाओ। हाँ इसे ये देखिए, ये नीचे ये तमाम जो है ये मूंगफली लगी है। ये जो ऊपर फ्लावर आए थे, यहाँ जो फ्लावर आए थे उससे ये फ्लावर का जो स्टॉक है ये बढ़ता हुआ नीचे को चला गया। ये देखिए अब इस पर यहाँ मूंगफली लग रही है, है ना। और हम दूसरे प्लांट आपको दिखाएंगे, दूसरे दिखाओ। ये देखिए ये तमाम मूंगफली जो है ऐसे लग रही हैं, ये सब ऊपर से गई हुई हैं। आप देखिए हर मूंगफली का एक अलग स्टॉक है और ये ऊपर से ही आई हैं सारी। ये देखिए ये सब ऊपर से आई हैं, ये सारी हम दिखा रहे हैं आपको, ये सभी ऊपर से आई हैं। ये देखिए ये हमने उखाड़ी हैं, ये उखाड़ी हैं हमने, तो आप इन्हें देखिए। ये देखिए ये मूंगफली हैं, ये आपको दिखाई रही हैं यहाँ पर। ये देखिए ये सब फ्लावर आए थे यहाँ, ये यहाँ फ्लावर आए थे और फ्लावर आने के बाद ये देखिए दूसरी भी जो है नीचे को जा रही है। हर किसी का स्टॉक देखिए आप, ये सब ऊपर से स्टार्ट हुई है। ये देखिए ये इसकी जड़ ये है, जड़ इसकी ये है, लेकिन ये देखिए मूंगफली ऊपर आई है, यहाँ मूंगफली आई है, तो यहाँ से बढ़ते हुए जमीन में घुस गई और वहाँ जाने के बाद इंसर्ट होने के बाद ये डेवलप हुई है। इसके अंदर सीड है,
इसके अंदर अगर हम इसे फोड़ेंगे तो ये सीड निकलेगा इसके अंदर। अभी सीड ज़्यादा मोटा नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखिए, ये इसका सीड निकला है। ये देखिए सीड इसका जो ये निकला सीड है ना, तो इसको आप देखेंगे, ये देखिए, ये इसके अंदर देखिए, ये रहा, ये सीड इस तरह से इसमें निकलते हैं, जिनको खाया जाता है। ये करीब जो बरसात के बाद डेवलप होनी शुरू होती, बरसात में डेवलप होती है, और बरसात के बाद जो है इसे भादों जब लगता है, करीब जो है अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर के लास्ट में उखाड़ना शुरू कर देते हैं, और ये जो है फिर भूनने के बाद खाने में प्रयोग की जाती है। उससे पहले इतना टेस्ट नहीं आता, लेकिन जब ये पक जाती है तो इसे भून लिया जाता है। ये आपको हमने पेड़ दिखाए हैं, इनमें सभी में देखिए मूंगफली जो भी आ रही है, ये देखिए जितनी भी मूंगफली आई हैं ये ऊपर आई हैं, ये देखिए ये सब ऊपर आई हैं, ऊपर आकर के ये नीचे गई हैं। ये देखिए किसी का भी स्टॉक नीचे नहीं है, ये देखिए, ये किसी का भी यहाँ नहीं लगी मूंगफली, ये मूंगफली ऊपर लगी हैं, और ऊपर लगने के बाद नीचे गई हैं। जो आप देख रहे हैं ये प्लांट मूंगफली के हैं, और इस पर एक बीमारी भी लगती है इसकी पत्तियों पे, जो ये हम बाद में बता देंगे आपको उस बीमारी का भी। तो ये आप देखें इस तरह से जो है ये मूंगफली बोई हुई है यहाँ पर, ये मूंगफली का खेत है ना, ये देखिए ये सब मूंगफली के खेत हैं, सारी मूंगफली बोई हुई है, ये सब मूंगफली हैं, ये सब मूंगफली बोई है, ये देखिए सब मूंगफली बोई है, ये खेत है मूंगफली का। अब इसमें दाना पड़ गया, हाँ ये देखिए, ये इस तरह से जो है जब ये इस तरह कर देते हैं और फिर मिट्टी चढ़ाते हैं इसके पास में, तो मिट्टी चढ़ाने से वो दब जाती है, जैसे आलू के चढ़ाते हैं ऐसे इसमें चढ़ाते हैं, तो ये और ज्यादा डेवलप होती है और बढ़िया लगती है उसमें। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ये फ्लावर इस पे आए हुए हैं, ये फ्लावर जो है यही डेवलप होता है और इससे फ्रूट बनता है, तो वो मूंगफली होती है। ये सभी फूल इस पे आप देख रहे हैं, ये पैपिलियोनेसी फैमिली का प्लांट है, ये प्लांट जो है, हाँ ये देखिए ये दाना निकला, देखो ये जी जी, अब ये दाना इसमें अंदर निकल रहा है, ये बोया जाता है, ये देखिए ये दाना निकाल के बोया जाता है, ये जो दाना है ये बोया जाता है, ये बोया जाता निकाल के, है ना, ये करीब जुलाई में बोया जाता है, जुलाई जब शुरू होता है तब ये बोया जाता है, और ये फिर सावन भादो और फिर इसमें कुआर में खुदना लग जाता है। नहीं ये जाए, देखो ये इस खेत में से पहले मूंगफली उखाड़ ली गई है, लेकिन अभी भी देखो इसमें जो पेड़ बचा है, ये देखिए ये आ गई है, इसमें मूंगफली है, इसमें ये री है ना, ये मूंगफली है, और इसकी पत्ती पर एक डिसीज लगती है, सरकोस्पोरा एराकिडिकोला है ना, तो वो इस पर सरकोस्पोरा की डिसीज लगती है, उस पर सरकोस्पोरा के स्पोर्ट्स होते हैं। तो ये देखिए ये दिखाइए, ये जो स्पोर्ट्स हैं ये वाले पत्ती के नीचे, ये पत्ती के नीचे ये वाले जो स्पोर्ट्स है ये इसके ऊपर बीमारी लगी है, ये देखिए ये वाले जो स्पोर्ट्स हैं ये वाले स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स सरकोस्पोरा डिसीज के हैं, जो इसकी ऊपर लगती है डिसीज लगती है, बीमारी लगती है, उससे जो है ये कम पैदावार होने लगती है इसकी। और दूसरा पेड़ दिखाइए, ये देखिए यहाँ भी इस पर, ये देखिए ये है, ये मूंगफली लगी है, तो इसे उखाड़ेंगे, ये नीचे जड़ है और ये मूंगफली ऊपर से लगी हुई है, ये मूंगफली ये गई है, ये मूंगफली लगी हुई है, तो मूंगफली जो है ऊपर लगती है, देखिए यहाँ पर ये इसमें ये मूंगफली आई है, ये लगी है, ये मूंगफली लगी है ना, तो ये इस तरह से मूंगफली लगती है। ये सभी आप देख सकते हैं, इसकी जो जड़ है ये जड़ है, ये इसकी जड़ है, तो जड़ तो नीचे है, यहाँ पर फ्लावर आया है, फ्लावर आने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके बाद जो है इसका जो स्टॉक है वो बढ़ता चला गया फ्लावर का, और इसमें पॉड बन गई है, फ्रूट बन गया, और ये फ्रूट जो है ज़मीन में घुसता चला जाता है। पहले ये जो है कॉनिकल और थ्रेड लाइक होती है, तो ये नीचे को
सैंडी सॉयल में को अंदर को घुसता चला जाता है नमी की तरफ और वहाँ जा कर के डेवलप होता है और फिर इस पर ये मूँगफली लगाती है। ये सब इस तरह से मूँगफली लगती है। हाँ जी, ये देखिए मूँगफली यहाँ पर ये लगी हुई है, यहाँ पर भी हम दिखा रहे हैं। ये देखो ऊपर ऊपर फ्लावर लगे थे, ये यहाँ पर फ्लावर आए थे, तो ये सब नीचे, हाँ ये सब नीचे चली जाएंगी। और देखो जैसे ये आई है ना, ये आई है, ये जमीन में चली जाती हैं। अब ये देखिए, अब आप खाड दिखाओ, ये देखिए ये मूँगफली सब ऊपर से नीचे गई हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ फ्लावर आया था, ये रहा, यहाँ पर फ्लावर आया था, यहाँ पर फ्लावर आने के बाद फली बनी और वो एक तंतु के रूप में नीचे को चली गई, ये देखिए ये, और यहाँ ज़मीन में नीचे घुस गई और यहाँ जाने के बाद इसमें मूँगफली बन गई ना। ये देख सकते हैं आप, ये सारे तमाम जो हैं ये सब ऊपर से ही आए हैं, ये सब देखिए, ये देखिए जरा से पेड़ बिगड़ जाएंगे जैसे ही। हाँ ये देखिए, तो ये हमने मूँगफली आपको दिखाई है। यहाँ देखिए ये सब, ये यहाँ पे फ्लावर आया, फ्लावर आने के बाद ये तंतु था नीचे चला जाता है और फिर ज़मीन में इंसर्ट हो जाता है और वहाँ जाके ये ऊपर बढ़ती चली जाती है और फिर फली बन जाती है, जिसको हम मूँगफली या पीनट या ग्राउंड नट बोलते हैं। ये तो देखिए, हमने एक अलग जगह और देखी है। ये देखिए, ये जो है कच्ची मूँगफली को भुना जा रहा है, ये नमक में भुनी जा रही है, क्योंकि अगर रेत में भूनते हैं तो कभी कभी क्या होता है, मूँगफली कोई फटी हुई आ जाती है या वो फट जाती है तो उसमें डस्ट चली जाती है और जब खाते हैं तो वो उसमें किरकली लगती है। तो इसलिए यहाँ आप देखिए, ये मूँगफली भून रहे हैं, ये नमक में भून रहे हैं, ये कच्ची मूँगफली नमक में भून रहे हैं। तो ये देखिए, ये कच्ची मूँगफली है, ये वाली कच्ची मूँगफली है, ये कच्ची मूँगफली है, ये देखो ये करीब 4-5 बजे से भूनने लग जाते हैं और फिर जो है इस मूँगफली को बेचते हैं। ये कच्ची हैं और ये वाली पक्की हैं, ये वाली इन्होंने भून ली है, ये भून ली है, है ना। तो फिर उसके बाद ये इसे झरने से छानेंगे, है ना, इसे छानेंगे, फिर से छानेंगे तो ये फिर इसे इस तरह से छानेंगे। देखो ये बड़ा झरना इन्होंने लिया हुआ है और इससे छानेंगे, देखो ये, तो ऐसे छानते हैं और फिर इसे बेक देते हैं। तो गरम गरम